डीएलएड 2018 चतुर्थ सेमिस्टर विषय गणित। आज का टॉपिक है वृत्त। तो देखिए वृत्त के बारे में बताते हैं। पहले बराबर
मृत की कार्य, इसका सूत्र होता है जैसा हम पहले बता चुके हैं, गति प्रतिबला होता है 2 पाई आर, और ये हो गया 2 पाई आर। वैल्यू लगा दीजिए 2 × 2 पाई का मान 22/7 गुणा 7 से 7 चले गए, और ये हो गया 2 × 22, 22 × 44, और सेंटीमीटर में इसलिए हो गया सेंटीमीटर। एक का आंसर यही हो गया। अब इसमें पूछा था एवं क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और इसका मान 22/7 गुणा आर का मान 7 का वर्ग, और ये हो जाएगा 22/7 गुणा 7 × 7, 7 से 7 चला गया, 7 का 2 से गुणा कर देंगे 22 से, 7 × 14 14 × 4 आंसर ला लिए, और 7 × 14 और 15 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर एक आंसर दिए। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला प्रश्न, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का त्रिज्याओं में 3:2 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा? देखिए उत्तर, माना वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर R1 और R2 है, तो ये हो जाएगा R1/R2 बराबर 3/2, क्योंकि अनुपात दे रखा है दो वृत्तों की त्रिज्याओं में 3:2 का अनुपात है। पहले वाले की हमने R1 त्रिज्या मान ली, दूसरे वाले की R2 मान ली, और एक अनुपात कितना है 3/2 का। ठीक, अब हम निकाल रहे हैं प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अगर हम इसको मान लें A1 बराबर, और ये हो जाएगा πR1² और ये हो जाएगा A1 बराबर पाई R1 की जगह पे हम रख सकते हैं यहाँ पे चलिए अभी R1 ही रख देते हैं, R1² और द्वितीय वृत्त का क्षेत्रफल बराबर A2, ये हो जाएगा πR2² इसलिए A1/A2, क्योंकि इसने पूछा था उनके क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, हमने कह रहे हैं A1 और A2 का अनुपात पूछ रहा है, तो हमने कह दिया A1/A2 बराबर πR1² πR2² पाई से पाई चले गए, ये हो जाएगा R1/R1² R2² और ये हो जाएगा, ये नियम होता है घातांक का कि अगर दोनों पे घात समान है तो हम एक जगह रख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा R1/R2² और ये हो जाएगा R1/R2 पहले ये निकाल सकते हैं 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 का होल वर्ग, और ये हो जाएगा 3×9 और 2×2=4, इसका मतलब ये हुआ A1/A2 बराबर 9/4, अर्थात
A1 अनुपात A2 बराबर